हाय दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। आप देख रहे हैं फिल्म बीट। वेल आज हमारे साथ है सेट डिज़ाइनर उमा कुमार। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि कैसे बनाया उन्होंने ये सेट, कितनी मेहनत तो बहुत ही लगी थी कि बिकॉज हमने जो OTT से चेंज ओवर किया वो हमारे पास सिर्फ 5 दिन का था, लेकिन मज़ा यही था कि हमारे पास एक थीम मिल गया, विच इज जंगल थीम। ओके, जंगल थीम में हम हमेशा सोचते रहे कैसे करेंगे, गार्डन को चेंज करेंगे, जंगल में ब्यूटीफुल बनाएं या क्रीपी बनाएं। तो हमने दोनों कर दिया। दिन में ब्यूटीफुल लगता है, अवतार वर्ल्ड लगता है, रात को जब लाइट्स चेंज होंगी तो क्रिकेट्स ये वो सब आपको लेकिन काटेंगे तो सही, लेकिन मूड चेंज हो जाएगा। अंदर से जो लाइट्स डाली हैं, हमने एक्स्ट्रा लाइट्स डाली हैं, यू नो टैपल इफेक्ट आएगा, बहुत जंगल में मंगल जो होने वाला है ना वो इस टाइम आपको देखने मिलेगा। लेकिन इसके साथ तो खूबी है कि घर को हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। अंदर है ब्यूटीफुल लग्जूरियस ओवर द टॉप फैंटास्टिक हाउस, एंड यहाँ है वैसे ही खतरनाक है लेकिन ब्यूटीफुल घर भी है। ओके, हर एक लोग जो कंटेस्टेंट आते हैं अपना अपना कोना पकड़ के जाएंगे कि ये मेरा बेस्ट कोना है, हम सुबह आके यहाँ चाय पियेंगे। तो उस हिसाब से मैं कंटेस्टेंट बन जाता हूँ। मेरी वाइफ के साथ हम आके हमेशा बैठते हैं, तो जब प्रोडक्शन डिजाइन कर सोचते हैं ना कि कौन से ब्यूटीफुल पार्ट हो गए, ये बाग पर बैठ सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, विश्व सुंदरी हैं पीछे तो उसके यहाँ बैठने देंगे, अलाउड करेंगे कि नहीं बाबा दिस इज अथीरियल, डोंट इवन गो देयर। बट दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग दैट वी थिंक अप एट एन डिज़ाइन लाइक दैट। टाइम कंज्यूम नहीं, मैंने प्यार से जो बनाया वो विश्व सुंदरी को बनाया, यू नो, और क्रिस्टल लेके आओ, पर्पल फ्लावर्स नहीं, मेरे को वैसे ही पिंक फ्लावर्स चाहिए जो ब्यूटीफुल करे। तो इसमें मेहनत लगी है बिकॉज हमको चाहिए था कि स्पेशल बने, इसलिए टाइम तो सब में लगता है, और लेकिन इसमें हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम, जनरली हम क्या करते हैं ना, एक दिन में आते हैं और प्रॉप्स लग के जाते हैं, यहाँ 4 दिन तक काम ही नहीं खत्म हो रहा है, हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, हर पूरा रात रात हम सोए नहीं है जस्ट टू फिनिश दिस प्रॉपरली। OTT के वक्त पर हमने वो हिंदी का सेट बना दिया था, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते थे सॉरी, हमने OTT के टाइम पर वो बिग बॉस का घर बना दिया था लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन देख सकते थे। पर ये जो चेंज ओवर हमने जो 5 दिन में किया बहुत स्ट्रेनस था, हम रियली सोए नहीं है, एंड बिकॉज इट हैज टू लुक ब्यूटीफुल तो मतलब सब लोग अंदर आओ, मास्क वास्क पहन के सब लोग काम कर रहे थे। ओह, वो तो बहुत कुछ है, मेरा अंदर वो जो फ्लेमिंगो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो तो मुझे चाहिए, लेकिन इतना बड़ा घर नहीं मेरे पास वो फ्लेमिंगो लगाने के लिए, लेकिन दैट इज द हाईलाइट ऑफ द प्लेस। थैंक यू सो मच।